Calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2, a solution containing 20% of C2H6O2. हमें एक मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. इसमें क्या गिवन है, 20% ऑफ ग्लाइकोल. तो 20% ऑफ ग्लाइकोल हमारा कितने में होगा, हमें 100% भी तो होगा 20% हमारा ग्लाइकोल. तो 20% हमारा ग्लाइकोल हो गया. तो बाकी का बचा हुआ 80% क्या होगा, 80% हमारा वाटर होगा. तो हम एज्यूम करेंगे कि ग्लाइकोल हमारा कितना है, 20% 20 ग्राम है और वाटर हमारा 80 ग्राम है. तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास. तो पहले हम ग्लाइकोल का क्या कहते हैं, ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. C2H6O2 इसके नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, मास अपॉन मोलर मास. तो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे. मोलर मास कैसे निकलेगा, 12 कार्बन का 12 होता है और दो कार्बन है तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कार्बन होता है तो 1 × 6 प्लस 12 ऑक्सीजन का 12 होता है मल्टीप्लाई 2. तो हमारा मोलर मास कितना आ गया, 62. तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लाइकोल निकालेंगे. तो नंबर ऑफ मोल ग्लाइकोल का क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास हमें कितना है ग्लाइकोल का, ग्लाइकोल हमारा 20 ग्राम है. तो 20 ग्राम यहाँ पे पुट कर देंगे और मोलर मास हमारा 62 आ गया. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.322 मोल आ गया. तो हमारे ग्लाइकोल के मोल आ गए. अब हमें वाटर के मोल चाहिए. वाटर के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमारा कितना है 80% हमने एज्यूम कर रखा है वाटर का. तो हम 80% यहाँ पे पुट कर देंगे, 80 ग्राम. और मोलर मास कैसे निकालेंगे, H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा. तो हम 80/18 कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो 4.44 आ जाएगा मोल. तो अब हमें निकालने, ये हमारे दोनों के मोल आ गए, इसके भी मोल आ गए ग्लाइकोल के और हाइड्रो और वाटर के भी मोल आ गए. अब हमें निकालेंगे मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ जिसका निकाल रहे हो वो अपन टोटल का सम. तो हमने ग्लाइकोल का निकाल रहे हैं तो ग्लाइकोल रख दिया हमने ऊपर और अपन दोनों का सम मोल ऑफ H2O का प्लस मोल्स ऑफ ग्लाइकोल. ठीक. तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल हमारे कितने आए थे, ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल आए थे हमारे 0.322 और टोटल का सम कितना होगा 0.322 ग्लाइकोल का मोल अपॉन वाटर का मोल. वाटर का मोल कितना आया था 4.444. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.068. तो ये हमारे आ गए किसके, जीटा ग्लाइकोल. ग्लाइकोल के मोल हमारे आ गए 0.068. तो आपको एक चीज़ पता होगी कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जीटा 1 प्लस जीटा 2 का सम कितना होता है, हमेशा इक्वल टू 1 होगा. अगर हमारा जीटा 1 इतना आ गया तो जीटा 2 निकाल नहीं निकलेगा वाटर का. तो हम जीटा H2O वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.68. जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.932 और यही हमारा इसका मोल होगा. अगर आप ऐसे ना चाहें तो इस प्रकार से भी निकाल के देख सकते हैं. यहाँ पे H2O लिख देंगे, यहाँ पे H2O के मोल लिख देंगे, यहाँ पे टोटल का सम और सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा. और वैसे आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं कि जीटा 1 प्लस जीटा 2 इक्वल टू 1, देन इट इज़ आंसर.